रविराज जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा है, अंग्रेजी में एमए किया है और एलएलबी भी किया है। रविराज जी चूंकि जो अपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दोनों चित्र यहाँ देखते हैं, रामकृष्ण मिशन से संबद्ध रहे। सन 88 पूर्व स्वामी गंभीरानंद जी से दीक्षित हुए, तो ऐसे गंभीरानंद जी रामकृष्ण मिशन के 11वें अध्यक्ष थे, उनके शिष्य हैं आप। 1986 में विवेकानंद यूथ स्टडी सर्कल इलाहाबाद के आप प्रेसिडेंट बनाए गए थे। स्वामी हर्षानंद जी, स्वामी सत्स्वरूपानंद जी, स्वामी निखिलानंद जी के संरक्षण मार्गदर्शन में आपने साधना की, और स्वामी विवेकानंद के विचार से नवयुवकों को प्रेरित करने का गंभीर प्रयास किया है आपने। इस बीच वेदांत के मूर्धन्य विद्वानों से संपर्क रहा, संबंध रहा, उन्हीं से प्रेरणा से, मार्गदर्शन से, आपने स्वामी सुबोधानंद जी का नाम सुना होगा, स्वामी विद्यानंद जी, स्वामी संपूर्णानंद जी आदि से वेदांत दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। लगभग 10 वर्ष तक आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र, दर्शन शास्त्र में मार्गदर्शन किया है आपने। 20 वर्ष तक लगभग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्रों का इंग्लिश लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यूज में प्रिपरेशन हेतु अनेक प्रकार के मार्गदर्शन किए हैं। आप स्वामी अवधेशानंद जी से भी जुड़े रहे, उनके प्रभु प्रेमी संघ की भी स्थापना की। 4-5 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद का जो 150वीं सार्धशती के रूप में हम जानते हैं, उसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा नवयुवकों को उद्बोधन से प्रेरित किया, कई जगह सेमिनार में, प्रबोधन में, उद्बोधन में आपने देश भर की यात्रा की। IIT कानपुर, IIT BHU, MNR इलाहाबाद, IAS अकेडमी, MDA पुणे, ऐसे मद्रास विश्वविद्यालय, ऐसे 100 से अधिक विशेष स्थानों पर यात्रा करते हुए, कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके बीच मोटिवेशनल माने लेक्चर जो होते हैं आपके होते हैं, ग्लोबल गुरुकुल पुणे के डायरेक्टर एवं हेड है, जो कि SSB NDA CTS के स्टूडेंट्स को तैयार करती है। इस आश्रम के संस्थापक पूजनीय आशीष भैया और आप सभी सत्संग प्रेमी देवियों और सज्जन प्यारे बच्चे, विषय जो हमें भैया ने दिया है, मनुष्य की दिव्यता और उसकी अभिव्यक्ति के उपाय विवेकानंद के अनुसार। जन्म से हमारी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं वो अधःपतन की ओर हमें आकर्षित करती हैं। महापुरुषों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा उन अधोगामी प्रवृत्तियों में परिष्कार की प्रक्रिया और युक्ति का बोध होता है, और जब वो प्रवृत्तियां हमारी शोधित होती हैं, परिष्कृत होती हैं, तो वो उदात्त दिशा की ओर, जो जीवन का ऊर्ध लक्ष्य है हमारा, उसकी ओर उन प्रवृत्तियों का प्रवाह होता है, और तभी जीवन की दिशा एक सही दिशा बनती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये जो जीवन है हमारा, इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। विवेकानंद बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द
The goal of life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or two or all of these and be free. This is the whole of religion and spirituality. Doctrines, dogmas, rituals, books, sects, they are nothing but secondary details. प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि ये जो अव्यक्त ब्रह्म है, ये जो अनंत शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, इसको अंत और बाह्य प्रकृति का नियमन करके अभिव्यक्त करना। इस प्रसुप्त ब्रह्म की अभिव्यक्ति चाहे कर्म के माध्यम से करें, चाहे योग के माध्यम से करें, चाहे ज्ञान के माध्यम से करें, चाहे ध्यान के माध्यम से करें, चाहे एक के माध्यम से करें, अनेक के माध्यम से करें, या सबके समन्वय के द्वारा करें और मुक्त हो जाएं, यही जीवन का सार सर्वस्व है, यही आध्यात्मिकता और धर्म का प्राण है, बाकी सब कुछ गौड़ ब्यौरे मात्र है। तो जीवन का लक्ष्य बताया कि जो अनंत शक्ति है, अनंत चैतन्य जिसको आत्मा कहते हैं, इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और उसका उपाय क्या बताते हैं? बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हमें अंत और बाह्य दोनों प्रकृतियों का नियंत्रण करना पड़ेगा। और साथ में उपाय बताते हैं कि चार उपाय हैं, कर्मयोग के माध्यम से, अष्टांग यानी ध्यान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से और ज्ञान योग के माध्यम से। अब यहां एक चीज मैं थोड़ा संकेत करना चाहूंगा, प्रायः हम देह यात्रा को जीवन यात्रा समझ लेते हैं, लेकिन देह यात्रा हमारी जीवन यात्रा नहीं है। देह का लक्ष्य बिल्कुल सुनिश्चित है, आप गर्भ में आते हैं, आपका जन्म होता है, आप शिशु बनते हैं, आप बालक बनते हैं, आप किशोर होते हैं, आप युवा होते हैं, आप प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं और कालकौलिक हो जाते हैं। तो देह यात्रा के जो ये स्टेशन हैं, ये सबके फिक्स हैं। चाहे कोई समृद्ध हो या गरीब हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी कोटि और श्रेणी का व्यक्ति हो, देह यात्रा में कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकता। समर्थ से समर्थ व्यक्ति इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सीधे बालक से युवा बनूंगा, मैं सीधे युवा से वृद्ध बनूंगा। बीच के जो स्टेशन है वो सबको पार करने पड़ते हैं। और इसका लक्ष्य है, देह का लक्ष्य जो है वो स्वाभाविक मृत्यु है, तो आप लक्ष्य भी नहीं बना सकते। तो देह यात्रा हमारी जीवन यात्रा नहीं है। आत्मतत्व तो अपने आप में पूर्ण है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदिश्य मध्यम चय भूता नामक तेव। अपने आप में परिपूर्ण तत्व है, सर्वव्यापी तत्व है, सर्वज्ञ तत्व है, सर्वशक्तिमान तत्व है, अमर तत्व है, अविनाशी तत्व है, उसको भी किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं। अगर आपसे हम कहें कि आकाश को जरा खिसकाइए आप, तो आप आकाश को नहीं खिसका सकते, क्योंकि खिसकाने के लिए स्पेस चाहिए, वो सर्वव्यापी है। तो जैसे ये प्रत्यक्ष देखने में आकाश सर्वव्यापी है, उसको हम कहीं खिसका नहीं सकते, उसमें गति हम संकलित नहीं कर सकते, ऐसे ही जो आत्म तत्व है वो अपने आप में सर्वव्यापी पूर्ण तत्व है, इसलिए उसका भी कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है, जिसको कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ भी जानना शेष नहीं, कुछ भी भोगना शेष नहीं, तो ऐसे तत्व का भी कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो लक्ष्य किसका बने? ना तो देह का कोई लक्ष्य आप बना सकते हैं, ना आत्मा का कोई लक्ष्य बना सकते हैं। देह और आत्मा के बीच में एक तत्व है जीव का। तो जो यात्रा होती है हमारी, वो जीव की यात्रा होती है, और एक जीव की यात्रा के लिए हमारे शास्त्रों में चार स्टेशन बताया गया। एक पामर है, जीव की एक कक्षा है पामर की। पामर उस जीव को कहते हैं कि जो अपने सुख के लिए किसी का भी गला तक काट सकता है। हमें सुख मिलना चाहिए, बाकी किसी को इसके बदले दुख मिले या उसको कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। तो अपने नितांत सुख में जीने वाला, इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मानने वाला, और उस इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए किसी हद तक भी पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार करने वाला, ये व्यक्ति जो होता है, ये पामर होता है। और पामर व्यक्ति का जो केंद्र होता है, उसका जो जीवन है, वो जिस केंद्र के चारों तरफ परिभ्रमण करता है, वो केंद्र है अनियंत्रित वासना। पामर अनियंत्रित वासना को केंद्र बनाकर के अपने जीवन की परिक्रमा करता है, और जब इससे उसकी थोड़ी सी स्थिति ऊपर उठती है, अगर उसको कोई सत्पुरुष का मार्गदर्शन मिला, कभी जीवन में चेतना जगी, तो वो व्यक्ति जो है वो पावर से फिर विषय की कक्षा में पहुंचता है। विषय का भी ये पक्का समाधान है कि सुख तो हमें विषय से ही मिलेगा। उसके भी जीवन में कोई उदात्त लक्ष्य नहीं होता,
कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कैवल्य प्राप्त करना है, समाधि लाभ करना है, ईश्वर दर्शन करना है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता। लेकिन विषय और पावर में भेद यह है कि विषय समाज के द्वारा अनुमोदित, शास्त्र सम्मत, मर्यादा और संयम में रहकर के वो अपने सुखों को प्राप्त करता है। तो वहां पर विषय का केंद्र बनता है संयम और मर्यादा। वहां पे संयम है अनियंत्रित अमर्यादित वासना, उसका जो केंद्र है, और विषय का केंद्र है आपका मर्यादा और संयम। इन दो चीजों में के अंतर्गत रहकर के वो जीवन के सुखों का लाभ लेता है। तीसरी कक्षा है जीव की साधक या जिज्ञासु। उसके मन में उठता है कि संसार के सारे सुखों को जानने के बाद, अभी मैं सुख पर भी आता हूं, कितने प्रकार के सुख हैं जगत में। तो संसार के सारे सुखों को देखने के बाद उसको लगता है मुझे तृप्ति नहीं। जैसे अर्जुन कहता है कि आप चाहे स्वर्ग का राज्य हमें दे दें, पूरे भूमंडल का राज्य दे दें, लेकिन ये हमारी इंद्रियों के तेज को जराने वाले, क्षरण करने वाली चीजें हैं और इनमें मुझे केशव कोई समाधान नहीं देता। ये अर्जुन अब साधक है, जिज्ञासु। अगर वो जिज्ञासु नहीं होता, उसके अंदर शिष्य अगर पैदा नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर गुरु पैदा नहीं होता और गीता जैसा ग्रंथ आज हमें उपलब्ध नहीं होता। तो ये जो जिज्ञासु है, इसके मन में प्रश्न उठता है कि मैं यहां क्यों आया, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जगत का निर्माण किस सत्ता ने किया है, जगत का और उस सत्ता का संबंध क्या है, मेरा जगत के साथ क्या संबंध, उस सत्ता के साथ संबंध क्या है। ये सारे प्रश्न उसके मन में उठते हैं और तब वो किसी सत्पुरुष के पास जाकर के जिज्ञासा करता है। जो सुख उसे समाज के द्वारा समर्थित, अनुमोदित, शास्त्र सम्मत है, विवेक सम्मत है, वो उन सुखों को स्वेच्छा से त्याग करता है और यहीं से उसके जीवन की अंतर यात्रा शुरू होती है। और इस अंतर यात्रा का लक्ष्य होता है कि उसका आत्मसंवाद हो सके, जो आपके शिविर का टॉपिक है, अपनी आत्मा की अनुभूति कर सके। तो जिज्ञासा उसके केंद्र में होती है, और जब जिज्ञासा केंद्र में बनती है, तब फिर हम भोग में जीवन नहीं व्यतीत करते, वहीं से हमारा जीवन साधना के पथ पर आरूढ़ होता है। तो जिज्ञासु या साधक का जो केंद्र है वो जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा उसे साधना की तरफ प्रेरित करती है। और साधना उसको कहते हैं जो आपकी जो संभावनाएं हैं और आज आपकी जो वास्तविकता है, आपकी वास्तविकता और संभावना के मध्य की दूरी को जो समाप्त कर दे, आपकी जो संभावनाएं हैं वो आपकी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएं। जैसे नरेंद्र की संभावना थी विश्व वंदनी विवेकानंद बनना, सिद्धार्थ की संभावना थी भगवान बुद्ध बनना। तो जब वो भगवान बुद्ध नहीं थे, जब नरेंद्र के रूप में एक सामान्य बालक के रूप में कलकत्ता में भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनके जीवन में अंतर्निहित था स्वामी विवेकानंद, और उसको प्रकट किया भगवान श्री रामकृष्ण देव ने, उनके सद्गुरु। तो हमारी वास्तविकता को, हमारी संभावना को वास्तविकता में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया का नाम साधना है। दूसरी बात, जो आपकी समस्त इच्छाओं का समाहार कर दे, सारी इच्छाओं को समाप्त कर दे, कोई साथ ना बचे, साथ धन ना, कोई साथ ना बचे, आपको लगे कि दुनिया की महत्तम उपलब्धि हमारे पास है, जिसको भगवान ने गीता में कहा, यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचारयेत्। जिसको पाने के बाद बड़े से बड़ा लाभ हमें छोटा लगे, और जिस स्थिति में पहुंचने के बाद बड़े से बड़ा दुख हमें विचलित न कर सके, वो लाभ परम लाभ है और वो स्थिति परम स्थिति। ये उपलब्धि जब हमारे जीवन में आती है तो वो साधना एक तरह से सिद्धि में रूपांतरित हो जाती है। तो साधक के जीवन का केंद्र है जिज्ञासा। जिज्ञासा के चारों तरफ उसका जीवन परिभ्रमण करता है, और यही साधक, जैसा मैंने बताया कि जब इसके जीवन की संभावनाएं वास्तविकता में रूपांतरित हो जाती, महत्तम और अधिकतम संभावना जो आपके जीवन की है, और वो है नर से नारायण बनना, जीव से ब्रह्म बनना, तुच्छ से महान बनना, अल्प से भूमा बनना, क्षुद्र से विराट बनना, ये आपके जीवन की महत्तम संभावना है। ये संभावना जब चरितार्थ होती है तो वो व्यक्ति सिद्ध या ज्ञानी बनता है, और उसके मूल में 24 घंटे ब्रह्म में वृत्ति भ्रमण करती है, और वो बोध के चारों तरफ अपने जीवन की यात्रा करता है। तो लक्ष्य जीव को बनाना है। देह का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, मृत्यु स्वाभाविक लक्ष्य है। आत्मा स्वयं अपने आप में पूर्ण है, उसको लक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं। देह और आत्मा की जो चिज्जड़ ग्रंथि, चेतन जब अविद्या से ग्रस्त होता है तो वो जीव कहलाता है, चेतन जब माया से ग्रस्त होता है तो उसे ईश्वर कहते हैं, और चेतन जब अविद्या और माया दोनों से विलय मुक्त होता है तो उसको हम शुद्ध ब्रह्म कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं।
तो ये जो अविद्या से उपहित चैतन्य है इसका नाम जीव है। इसको लक्ष्य बनाना है, किस चीज का, कि हम अविद्या और माया के आवरण का ध्वंस कर सके और अपने शुद्ध विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि कर सके। ये हमारे जीवन का लक्ष्य। तो मैं थोड़ा विषय साफ करना चाहता था कि लक्ष्य किसको बनाना है, लक्ष्य जीव को बनाना है। अब प्रश्न है मनुष्य की दिव्यता। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य कौन। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे कि हमें 100 मनुष्यों की आवश्यकता है, अगर हमें 100 मनुष्य दे दें तो मैं पूरे विश्व का कायाकल्प कर दूंगा। तो जो लोग स्वामी जी को बैठ करके सुनते थे श्रोता के रूप में, उनमें कोई पूछ सकता था कि स्वामी जी आप हमारे बीच में कहते हो कि हमें मनुष्य चाहिए, तो क्या हम लोग आपको मनुष्य नहीं दिखते, हम लोग आपकी दृष्टि में मनुष्य नहीं। इसका मतलब विवेकानंद के मनुष्यत्व की अवधारणा कुछ दूसरी थी। मनुष्य की शकल को प्राप्त कर लेना, मनुष्य की देह को प्राप्त कर लेना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप में मानवता है, आप में मनुष्यत्व। भगवान शंकराचार्य ने कहा तीन बातें दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुषत्व। मानव का जन्म नहीं, मनुष्यत्व उन्होंने शब्द जो प्रयोग किया है मनुष्यत्व। और मनुष्यत्व का अर्थ होता है विवेक और श्रद्धा, दोनों तत्व जब एक साथ मिलते हैं तो मनुष्यत्व का निर्माण होता है। जगत का वो प्राणी जिसमें विवेक है, जगत का वो प्राणी जिसमें श्रद्धा है। और एक सूक्ष्म बात यहां मैं संकेत करूं, विवेक तो आपको सत्संग से प्राप्त होता है, सत्पुरुषों से प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धा की पूंजी आप लेकर आते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषार्थ यो यः श्रद्धा स एव सः। गीता भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, मनुष्य है, ये श्रद्धामय है। और जो सत्व यानी हमारा जो अंतःकरण है, जो संस्कार की पूंजी हम लेकर के आए हैं, उसी के अनुरूप हमारी श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा जन्मजात है, लेकिन विवेक को आप अर्जित करते हो, फिर सत्संग में विवेक ना हो। अगर सत्संग के द्वार पर आप पहुंच जाओ, सत्संग का जीवन में लाभ आपको मिलना शुरू हो जाए, तो ये आपके जीवन में विवेक की जागृति करेगा। तो विवेक और श्रद्धा दो तत्व जिस व्यक्ति में एक साथ विद्यमान है, उस व्यक्ति को हमारे यहां मनुष्य कहा गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें विवेक होता है, श्रद्धा नहीं होती। बहुत से होते हैं जिनमें श्रद्धा होती है और विवेक नहीं होता। कुछ होते हैं जिनमें श्रद्धा और विवेक दोनों होते हैं। चौथे होते हैं जिनमें न श्रद्धा होती ना विवेक होता। एक ऐसी भी स्थिति बनती है कि श्रद्धा है, लेकिन जितनी श्रद्धा हमें चाहिए आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए उतनी श्रद्धा नहीं। आपको एक गाड़ी खरीदनी, मान लो 20 लाख की गाड़ी है, और आप 15 लाख लेके जाते हैं दुकान पर, तो आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली। 20 से ज्यादा लेकर जब आप जाते हैं, 25 लाख का चेक लेके जाते हैं, तो गाड़ी के साथ आप अपने घर वापस लौटते हैं। तो जितना विवेक और जितनी श्रद्धा हमें चाहिए, उतना विवेक और उतनी श्रद्धा अगर हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में साधना फलित होगी और हमें अपने लक्ष्य की सिद्धि और प्राप्ति होगी। तो विवेक क्या है? विवेक है जड़ और चेतन के बीच में अंतर करने वाली, स्पष्ट भेद करने वाली, स्पष्ट पहचान दिलाने वाली बुद्धि। जड़ और चेतन के मध्य, आत्म और अनात्म के मध्य, धर्म और अधर्म के मध्य, उचित और अनुचित के मध्य, न्याय और अन्याय के मध्य, नित्य और अनित्य के मध्य, इनके मध्य अगर स्पष्ट अंतर आप कर सकते हैं कि ये नित्य है और ये अनित्य है, इस बुद्धि का नाम, विवेचनी बुद्धि का नाम विवेक है। और विवेक का जो बेटा है वो वैराग्य। जब आपको ये तय हो गया कि ये अनित्य है और ये नित्य है, तो अनित्य से वैराग्य, वैराग्य का मतलब न उसके प्रति राग हो न द्वेष हो, उसको साधन बुद्धि से हमें इस्तेमाल कर लेना है, साधन समझ कर। जगत का त्याग नहीं करना है। कौन सन्यासी है जो भोजन नहीं करता? कौन सन्यासी है जिसने आश्रम और मठ नहीं बनाए? कौन सन्यासी है जो वस्त्र धारण नहीं करता? सभी लोग करते हैं। संसार का, इस जगत का सदुपयोग करना है। भोगी इसका सदुपयोग करता है अपने भोग के लिए, और जो योगी है वो इसका सदुपयोग करता है अपने कैवल्य के लिए। यह निर्णय हमें करना है कि इस साधन का उपयोग हम कहां करें। साधन अपने आप में दोषी नहीं होता, उस साधन का उपयोग करने वाला वो दोषी होता है। एक चाकू का उपकरण या साधन आपके हाथ में है, आप उस चाकू से किसी की गर्दन काट सकते हैं और सेब काट करके खा सकते हैं। गर्दन काटने का क्या परिणाम होगा आपको पता है, और सेब काट कर खाने का क्या परिणाम होगा यह भी आपको पता है। तो करण में दोष नहीं है, साधन में दोष नहीं, दोष होता है उसके प्रयोग करने वाले कर्ता। तो जगत का हमें उपयोग करना है, जगत का परित्याग नहीं करना। इसके प्रति न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उपयोग करते हैं। सुबह आप उठते हैं, आपको दातुन करना होता है, मंजन ब्रश करना होता है। आपको सुबह याद आती है मंजन और ब्रश, आप उसको लेते हैं मंजन ब्रश करते हैं, लेकिन 24 घंटे उसका जप नहीं करते। क्यों मंजनाय नमः, ओम दातुनाय नमः, ऐसा नहीं बोलते आप।
उपयोग किया उसको रख दिया, जिस समय जिस वस्तु की उपयोगिता है आपने दिन भर में उसका उपयोग किया और उसको रख दिया, जो आपका मुख्य कर्तव्य और स्वधर्म है, जो मुख्य कार्य है, आप उसमें लगे रहे। तो दांत के दर्द की तरह आपका तादात्म्य, आपकी तन्मयता, आपकी तदाकारिता अपने इष्ट के साथ, अपने स्वरूप के साथ होनी चाहिए या अपने साधना में आपका प्रभाव होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। बाकी समस्त चीजों का असंग भाव से अनाशक्ति के साथ हमें केवल सदुपयोग कर देना है। तो विवेक से अगर वैराग्य नहीं निकलता अनित्य के प्रति, अनात्म के प्रति, जो अधर्म है, अन्याय है, असत्य है, अनुचित है, इसके प्रति अगर वैराग्य नहीं पैदा होता तो इसका मतलब विवेक बांझ है, उस विवेक में सामर्थ्य नहीं। और यही कारण है बहुत बड़े बड़े विवेकी केवल विवेक के स्तर पर जीवन जीते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वहां से वैराग्य नहीं पैदा होता है। और वैराग्य फिर आपको ज्ञान देगा और ज्ञान से आपकी यात्रा मोक्ष तक जाएगी। तो विवेक का तत्व आपके जीवन में होना चाहिए। अगर विवेक भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, भगवान ने गीता में कहा अश्रद्धानश्च अज्ञश्च, जो अज्ञानी अविवेकी है अगर आप वो हैं और अश्रद्धालु भी हैं, दोनों बातें आपके साथ हैं, तो विनश्यति, तब आपका विनाश होना यानी पतन होना। अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो हम दूसरे के विवेक से लाभ ले सकते हैं। शिष्य के पास अपना विवेक नहीं होता लेकिन गुरु जैसा जैसा बताता है वैसा वैसा वो करता जाता है, केवल श्रद्धा तत्व उसमें होता है, उसका यह विश्वास होता है कि मेरे गुरुदेव जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो सही, वो हमारे कल्याण का मूलक। तो विवेक तत्व और श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, सत्यवती बुद्धि, जिस वृत्ति के गर्भ में सत्य निवास करता है उस वृत्ति को श्रद्धा कहते हैं, ये वेदांतिक परिभाषा है। और व्यवहार में अगर देखें तो किसी की महिमा की आनंदमयी स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। अगर हमसे ज्यादा श्रेष्ठ, हमसे ज्यादा ज्येष्ठ, हमसे ज्यादा प्राज्ञ और मनीषी कोई महापुरुष हमारे सामने खड़ा है तो उसकी महिमा की आनंदमयी स्वीकृति, वो उससे महान है, इसकी स्वीकृति तो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी स्वीकृति करके मन में ईर्ष्या आ जाती है, हम तुलना करने लगते हैं, हम प्रतियोगिता करने लगते हैं। ऐसा नहीं, आनंदमयी स्वीकृति, ये शब्द अंडरलाइन करना, किसी की महिमा की आनंदमयी स्वीकृति, वो महान है, इसको सानंद आपका हृदय स्वीकार कर सके और उस श्रद्धे की गाथा आप 50 लोगों में गाएं कि वो ऐसा व्यक्ति है, ये प्रतीक इस बात का है कि आपका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। तो जिस वृत्ति के गर्भ में सत्य निवास करे, सत्यवती बुद्धि श्रद्धा है, और किसी की महिमा की आनंदमयी स्वीकृति, ये व्यवहारिक परिभाषा है। ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, अगर ये व्यवहारिक परिभाषा नहीं होगी तो हम किसी भी गुरु को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने गुरु में श्रद्धा का निवेश नहीं किया तो निश्चित रूप से हम उसके विवेक का, उसके ज्ञान का, उसके मार्गदर्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो पहली बात है मनुष्य कौन है जिसमें श्रद्धा और विवेक तत्व दोनों एक साथ में विद्यमान हो, और आप विचार करके देख लीजिएगा जगत के किसी दूसरे प्राणी में ये दो तत्व नहीं है, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया, विवेकानंद कहते ऐसा मनुष्य चाहिए। दूसरी बात, जो मर्यादा को निर्मित करके मर्यादा में निरंतर जीता है उसको मनुष्य कहते, जिन्होंने मर्यादा को तोड़ा है, जो असंयमित जीवन जी रहे हैं, अनाचारी पापाचारी जीवन रहे, अन्यायी जीवन जी रहे हैं, अधर्मी जीवन जी रहे हैं, उनको हम मनुष्य नहीं कह सकते, मनुष्य की शक्ल उनके पास है। इसी मनुष्य की देह में रहकर के आप कुछ भी बन सकते हैं, बिना देह को बदले हुए आप देवता हो सकते हैं, बिना देह को बदले हुए आप राक्षस हो सकते हैं, बिना देह को बदले हुए आप लोकोत्तर सत्ता के बराबर यानी भगवान बुद्ध जैसे बन सकते हैं। आपके देह में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, दिखेंगे तो हम मानव की तरह, लेकिन हमारा जो अंतर जगत है वो पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। तो जो मर्यादा का निर्माण करके मर्यादा के अंतर्गत निरंतर जीवन जीता है वो मनुष्य है, ये दूसरी परिभाषा। और तीसरी, जिसको कर्म करने का स्वातंत्र और अधिकार दिया गया है, दूसरा कोई प्राणी कर्म नहीं करता, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, आर्मी में कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, गांव में किसान बैलों को ट्रेनिंग देता है, तो वो प्रशिक्षण से वो सीखते हैं। तो जिसको कर्म करने का अधिकार है, और कर्म और क्रिया में अंतर, बहुत सी क्रियाएं होती हैं उनको आप कर्ता से नहीं जोड़ सकते, क्रिया वो है जिसमें फल पैदा नहीं होता, क्रिया में फल जनकता नहीं होती, ऐसा कर्म जो फल पैदा नहीं करता उसको क्रिया कहते हैं। जैसे आपकी सांस चल रही है, नदी बह रही है, पत्ते हवा से हिल रहे हैं, रक्त का संचरण हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, आपके बाल नाखून सब बढ़ रहे हैं, ये क्रियाएं हैं, ये कर्म नहीं, क्योंकि इनके कर्ता आप नहीं, अगर इनके कर्ता होते तो आप इनको रोक सकते,
आप चाहते हैं कि आप अपनी श्वास को दो घंटे के लिए रोक दीजिए, अगर आपके अधिकार में है श्वास तो आप उसको रोकिए, आपके अधिकार में हृदय की धड़कन है तो जरा उसको रोकिए। तो कर्ता का नियंत्रण इस पर नहीं होता, तो क्रिया में फल जनकता नहीं होती और कर्म में फल जनकता होती है। तो कर्म करने का अधिकार जो है वो मनुष्य को भगवान ने दिया है, फल में अधिकार नहीं दिया। समय सीमित है, इस विषय पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि फल क्यों नहीं भगवान ने आपके हक में डाला, फल में आपका अधिकार क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि कोई दिन भर आपके यहां मजदूरी करे और शाम को आपसे आकर के बोले कि साहब हमें मजदूरी चाहिए, तो आप कहें कि कर्म में आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, फल बनाने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं, और अगर फल बनाने हम संकेत कर रहे हैं, फल बनाने की सामर्थ्य और अधिकार अगर कर्ता को दे दिया जाता, मनुष्य को, जीव को दे दिया जाता, तो हर व्यक्ति अपने कर्म का फल सुख, सफलता, समृद्धि, विजय, अनुकूलता यही बना लेता। कर्ता वो पापाचार, कर्ता अशुभ कर्म, लेकिन फल उसको अच्छा चाहिए। तो इसलिए भगवान ने ये अराजकता ना फैलने पाए जगत में, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया कर्म तो आप करो लेकिन उसका फल हम निर्धारित करेंगे। जैसे कॉपी तो आप परीक्षा में लिखते हो लेकिन नंबर आप नहीं देते हो, वो नंबर आपको एग्जामिनर परीक्षक देता है। तो कर्म में अधिकार नहीं, वो फल में अधिकार नहीं। कर्म का अधिकार और स्वातंत्र जिसको दिया गया, और अधिकार शब्द जो यहां पर आता है शास्त्र में, उसका गहरा अर्थ है। चार चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो वेदांत में अधिकार शब्द के रूप में, अधिकार शब्द को करते हैं उनको बहुत अधिकार प्राप्त है, उस रूप में वेदांत में अधिकार शब्द नहीं आता। वेदांत में अधिकार शब्द आता है अर्थ, सामर्थ्य, ज्ञान और त्याग। अर्थी हो, समर्थी हो, विद्वान, ज्ञानी हो और त्यागी। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि एक लड़का आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो पहले उसके जीवन में अर्थ यानी इच्छा, आईएएस बनने की इच्छा होनी चाहिए, और फिर सामर्थ्य। सामर्थ्य में दो चीजें, अर्हता और योग्यता, दोनों जब मिलती हैं तब सामर्थ्य का निर्माण होता है। अर्हता यह है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए आईएएस का फॉर्म भरने के लिए, अब आप में काबिलियत है, योग्यता है, लेकिन आप में अर्हता नहीं, आप ग्रेजुएशन पास नहीं, तो आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकते। रामानुजन बहुत बड़े हमारे गणितज्ञ थे लेकिन उपाधि उनके पास नहीं थी, वो बीए नहीं पास कर पाए। ऐसा लोनी की किताबें हम लोग बीएससी में पढ़े लेकिन वो हाई स्कूल नहीं पास कर पाए। तो अर्हता नहीं थी लेकिन योग्यता वहां। तो अर्हता और योग्यता दोनों जब आपके पास होती है तो सामर्थ्य का निर्माण होता है। तो पहले इच्छा, उसके बाद सामर्थ्य, और फिर ज्ञान होना चाहिए कि आईएएस के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। यही हमारी साधना के लिए भी जरूरी है, हमारे स्वाध्याय के लिए भी जरूरी है। हम हजारों ग्रंथों का अध्ययन करते हैं कूड़े करकट की तरह, सबको हमने डस्टबिन बना लिया अपने मन को और अपनी बुद्धि को। क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे पहले रेखांकित होना चाहिए। क्या नहीं सोचना है, कौन सी साधना नहीं करनी है, कौन से कर्म नहीं करने हैं, कौन सी बात नहीं बोलनी है, ये पहले रेखांकित होना चाहिए। तो जो करनी है वो अपने आप आपके जीवन में उद्भासित हो जाएगा। तो सामर्थ्य, विद्वता यानी ज्ञान, और फिर त्याग जो आपके लक्ष्य के लिए प्रतिकूल है, जो अवांछनीय है, उसका जीवन से परित्याग होना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य के पथ पर चले। तो ऐसे ही कर्म की इच्छा हो, कर्म करने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, 18वें अध्याय में भगवान ने संकेत किया अधिष्ठानं कर्ता कर्णम विविच्चेष्टा दैवं च पंचमं, ये योग्यताएं। तो कर्म करने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आधारभूत साधन होने चाहिए, वो सबसे पहले हमें संग्रहित करने। तो कर्म की इच्छा, क्योंकि कामना ही कर्म को प्रेरणा देती है। सामान्य जीवन में कामना से ग्रस्त होकर के ही व्यक्ति जीवात्मा बनता है, और कामना को त्याग करके व्यक्ति महात्मा बनता है, और कामना को नष्ट करके व्यक्ति परमात्मा बनता है। तो हमारी जो यात्रा है वो कामना से निष्कामता तक की है, इसीलिए भगवान ने गीता के केंद्र में निष्काम कर्मयोग रखा। शुरुआत तो हमारी कामना से हो। आज हम यहां खड़े हैं, अभी हमें कोई बुलाए या आप में से किसी को मैं अपने पास बुलाऊं तो आप वहीं से उठकर चलेंगे जहां आप बैठे हुए। तो हम कामना के धरातल पे हैं, देह के धरातल पे हैं, तो हमारी यात्रा तो वहीं से शुरू होगी। लेकिन हमें पहुंचना क्या है, श्री गणेश हम यहां से करेंगे लेकिन इतश्री का बिंदु हमारी है पूर्ण कामता, आप्त कामता, वहां तक हमें जाना। तो कर्म की कामना, कर्म की सामर्थ्य, और कर्म के विषय में पूरी जानकारी, और कर्म में आने वाली बाधाओं से विरक्ति, अगर ये चार बातें हैं तो आप कर्म को संपादित कर सकेंगे। तो कर्म करने का अधिकार और कर्म करने का स्वातंत्र जिसको दिया गया है, ये मनुष्य है, ये तीसरी परिभाषा है। और चौथी,
जो मन से संबंधों का निर्माण करने की कला जानता है, मनसा से व्यतीत मनुष्य, मन से संबंध को सृजित करने की सामर्थ्य जिसमें है उसको मनुष्य कहते हैं। आपने मैत्री का संबंध कैसे बनाया? आपका कोई मित्र बना, वो आपका सहोदर तो नहीं, कोई रिश्तेदार तो नहीं, वो आपकी जाति का नहीं है, आपके वर्ण का नहीं, संभव हो आपके गांव का नहीं है, आपके प्रांत का नहीं। आपने मन से स्वीकार कर लिया कि इज माई फ्रेंड, और उसने आपको स्वीकार कर लिया। ये परस्पर आपने मन से संबंध का निर्माण किया। आपने किसी को गुरु बनाया, आपने मन से स्वीकार किया को हमारे गुरु। आपने राष्ट्र को माना ये भारत माता, ये आपकी मानसिक स्वीकृति। तो मन से संबंधों का निर्माण करने की सामर्थ्य जिसमें है उसको हमारे यहां मनुष्य कहा गया। ये चौथी परिभाषा। तो इस प्रकार से मानव देखो, मनुष्य का शरीर पाना अलग है, लेकिन मनुष्यत्व उस शरीर में प्रतिष्ठित हो जाए इसकी योग्यताएं बिल्कुल अलग है। तो विवेकानंद इसलिए कहते थे आई वॉन्ट सम मेन, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, मेन ऑफ कैरेक्टर, जो चरित्र वाले हो, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। ये विवेकानंद का संदेश है। तो मनुष्य कौन है, पहला प्रश्न। अब है दिव्यता क्या है, तीसरा प्रश्न बनेगा मनुष्य और दिव्यता के बीच संबंध, और फिर दिव्यता को अभिव्यक्त करने के उपाय। प्रश्न लंबे हैं, समय बिल्कुल कम है। दिव्यता क्या है? दिव्यता के कई चरण हैं। जैसे आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये जितने सद्गुण बताए गए इनको देवी रूप कहा गया। अगर हमारे जीवन में श्रद्धा, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, उदारता, ये सारी की सारी सत् प्रवृत्तियां अगर उदित होती हैं, तो ये आप जान लो कि आपके जीवन में दिव्यता का उद्भाषण हो रहा है। दिव्यता जो है उद्भासित हो रही, दिव्यता का उदय हो रहा है। तो एक स्तर पर दिव्यता का ये स्वरूप है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, दिव्यता के विषय में भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में श्लोक 1, 2, 3 अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति के पहला श्लोक है। ये जो 26 गुण बताए गीता में, वे 26 गुण अगर आपके जीवन में आते हैं तो इसको दैवी संपदा कहा गया। अगर ये दैवी संपदा आप अर्जित करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिव्य पुरुष बनते हैं। मनुष्यत्व के लिए क्या बताया? विवेक, श्रद्धा, कर्म करने का अधिकार, कर्म करने का स्वातंत्र, मर्यादा और संयम से युक्त जीवन, ये मनुष्य के लिए। संबंधों का निर्माण मन के भाव के द्वारा, ये मनुष्य की योग्यता। अब मनुष्यत्व से दिव्यत्व की तरफ जब आप यात्रा करते हैं तो ये सारे के सारे सद्गुण आपके जीवन में आने चाहिए। और इसके बाद में दिव्यता से ऊपर जब आप उठते हैं ईश्वरत्व की तरफ, मनुष्यत्व, दिव्यत्व, ईश्वरत्व और ब्रह्मत्व, ये चार पड़ाव है, चार सोपान, मैं चारों को संकेत कर रहा हूं। ईश्वरत्व की तरफ दिव्यता के लिए सारे के चार आप गीता में पढ़िए जाए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि उसको हम बहुत विस्तार से ले सके। यहां पर हम आपको सूत्र दे रहे हैं। ये 26 सद्गुण अगर आपके जीवन में, और वहीं पर आसुरी संपदा का विवरण आप उसको भी जरूर पढ़िए, और उससे भी मिलाइए कि कहीं हमारे जीवन में इनमें से तो कोई नहीं है। ये शास्त्र एक दर्पण, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपके चेहरे पर अगर कहीं कोई विकृति है तो वो साफ दिखती है और आप उसको करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए अभयता जरूरी है। ध्यान रखिएगा, निर्भयता नहीं बोला भगवान, निर्भय नहीं बोला, अभय। निर्भयता और अभयता में भेद। जब शक्ति सापेक्ष तुलना से हम किसी से ज्यादा सामर्थ्यशाली होते तो हम निर्भय होते। एक बिल्ली के सामने शेर आके खड़ा हो गया तो शेर बहुत शक्तिशाली है, बिल्ली वहां क्या होगी? डरेगी, और शेर निर्भय होगा। शेर के सामने सवाओ शेर आके खड़ा हो गया तो अब शेर डरेगा, सवाओ शेर निर्भय होगा। तो जब शक्ति का संतुलन देख करके हम ताकत को तय करते हैं तो वहां निर्भयता होती है, और जब भक्ति का संतुलन देख करके तय होता है तो वहां अभयता होती है। बहुत बड़ा माफिया है लेकिन उसका बेटा उससे नहीं करता, पूरा शहर काटता है लेकिन उसका बेटा उससे नहीं करता, उसकी पत्नी नहीं करती, उसके माँ बाप उससे नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको यह भरोसा है कि अस वो हमें प्यार करता है, वो हमारा अनिष्ट नहीं करेगा। तो प्रेम और आत्मीयता से जो संबंध पैदा होता है वो अभयता दे सकता है। हाँ, शक्ति अभयता में रूपांतरित तब हो सकती है जब आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि आप सर्वशक्तिमान हो जाए, सभी आपकी शक्ति के नीचे हो परमात्मा की तरह, जैसे वो सर्वशक्तिमान है तो वो अभय है, और ऐसी स्थिति होना बहुत कठिन है व्यवहारिक जीवन। तो अभयता भक्ति से निकल कर आती है, प्रेम से निकल कर आती है, आत्मीयता से निकल कर आती है, और निर्भयता शक्ति से निकल कर आती है। इसलिए भगवान ने अभयता को अभयम। तो
तो आध्यात्मिक जगत में हमें अभय को जीवन में वर्ण करना है, इस अभय को लेकर के चलना है। तो इस प्रकार से ये जो ईश्वरत्व तीसरी बात लेकर आता है, मनुष्यत्व दिव्यत्व ईश्वरत्व, व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर के छह ऐश्वर्य बताए गए। एक तो ऐश्वर्य यानी श्री, शक्ति, यश और धर्म, ज्ञान, वैराग्य। ये छह गुण जिस सत्ता में अनंत और असीम मात्रा में विद्यमान है उसको हमारे यहां ईश्वर या भगवान कहा। भगवान ऐश्वर्य, भगवान माने मालिक। तो ये भाग कितने हैं? छह भाग। आप देख लो उसको ईश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ईशन करने की सामर्थ्य उसमें, पूरी प्रकृति और पूरे जगत का वो शासन करता है। तो जो ईशन करता है, शासन करता है, इसलिए उसे ईश्वर कहा गया। और ये जो छह गुण है इनमें शासन करने की सामर्थ्य है। श्री जो सात्विक साधनों के द्वारा जिस लक्ष्मी को हमने अर्जित किया है उसको हम श्री कहते हैं, और सौंदर्य शोभा को भी श्री कहा जाता है। श्री शक्ति, दूसरा है यश, ये तीन लौकिक है। और इन्हें आप देखो कि तीनों में ईशन करने की सामर्थ्य, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। देखो आगे तो छह ऐश्वर्य व्यवहारिक, ये छह ऐश्वर्य अगर अनंत और असीम मात्रा में किसी सत्ता के पास है, कितना भी वो दान करे किसी दूसरे को, लेकिन उसकी झोली कभी इन छह से खाली ना हो, उसको हमारे यहां ईश्वर कहा जाता है। और इन छहों में सामर्थ्य है ईशन करने की, शासन करने की। अपार संपत्ति अगर किसी के पास है, अपार को छोड़ दो अगर अरब में भी है तो भी आप देखो हमारे उद्योगपति सरकार तक को चलाते हैं, सारी इंडिया सरकार इन लोगों को देख करके इनके हिसाब से तय करती है। तो ये धन है ईशन सामर्थ्य, जो आप पर शासन कर रहे हैं उनको भी ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। शक्ति, अगर आप में प्रबल शक्ति है तो शक्ति के पीछे धन घूमता है। ये व्यवहारिक, इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे। यश, किसी का नाम बहुत है, वो कहता आप जाइए मेरा नाम बता दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। आपके जाने से काम नहीं होता, रिश्वत लेने से काम नहीं होता, लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम ले लेने से काम हो जाता है, ये यश है। इसमें भी सामर्थ्य। और धर्म, ये जितने तीनों हैं ये धर्मात्मा के आगे पीछे घूमते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा वैरागी के आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वैरागी ही संन्यास की शोभा है। ज्ञान आपके पास बहुत है, आप सन्यासी हैं, लेकिन आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, आपके जीवन में त्याग नहीं है, तो समाज में आप बहुत प्रशंसनीय नहीं होंगे। एक संदेश जाएगा कि ठीक है सन्यासी तो है लेकिन बहुत विलासी जीवन। तो सन्यास का आभूषण, सन्यास की शोभा वैराग्य में। तो वैराग्य के पीछे धर्मात्मा है और ज्ञान वैराग्य के साथ है। तो ये छह जितने हैं ये छह में पीछे घुमाने की सामर्थ्य है। और ये छह जगत में कोई ऐसा नहीं जिसके पास ये छह चीजें एक साथ उपस्थित आपको मिल जाए। किसी के पास एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, और अगर मान लीजिए कहीं अपवाद स्वरूप छह हैं तो वो असीम और अनंत मात्रा में होगी, उनकी गणना आप कर सकते हैं, वो एक सीमा के अंदर होगी। तो ये छह का प्रकाशन अगर हमारे जीवन में हो जाता है, हमारे जीवन में सुचितापूर्ण साधनों से प्राप्त लक्ष्मी है, हमारे जीवन में निर्मल कर्मों के प्रवाह से उत्पन्न अगर विमल यश है, हमारे जीवन में अगर सात्विक शक्ति है जो निर्मलों की रक्षा के लिए है, और हमारे जीवन में धर्म, ज्ञान और वैराग्य अगर फलित है, तो ये हमारे जीवन में ईश्वरत्व फलित है। तो सद्गुण अगर आते हैं तो आप दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। वे बातें जो मैंने मनुष्यत्व के संदर्भ में बोली वो अगर आता है तो आप मनुष्यत्व के धरातल को पाते हैं, और ये छह जब पैदा होते हैं तो आप ईश्वरत्व के धरातल को पाते हैं। और इसके बाद में एक अगला है ब्रह्मत्व। वेदांत यही व्याख्या करता है, वो कहता है आप सब चिदानंद स्वरूप हैं, जगत का कोई व्यक्ति अपनी सत्ता से इंकार नहीं कर सकता। हम प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर है, तो इसमें एक प्रतिप्रश्न हो सकता है कि ईश्वर है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप खड़े हैं, आप उसी ईश्वर की रचना। तो आत्म सत्ता का निराकरण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि ये कह दे कि मैं नहीं, आई डू नॉट एग्जिस्ट, ये कोई नहीं कह सकता। अगर इसको ऐसा बोलता है तो उससे यह प्रश्न किया जा सकता है कि ये अपने अस्तित्व का निषेध करने वाला ये निषेध करता कौन है। तो ये जो सब तत्व है आप में विद्यमान है, चित तत्व, ज्ञान तत्व आप में विद्यमान है, आनंद तत्व आप में विद्यमान है, तो कोई व्यक्ति अभाव को, जड़ता यानी मूर्खता को और दुख को पसंद नहीं करता। आपकी स्वाभाविक मांग है कि हम कभी ना मरें, निरंतर हम अमर रहे, निरंतर अविनाशी रहे, निरंतर हम बने रहे, ये आपकी स्वाभाविक मांग है। ये आपके अंदर का जो सब तत्व है वो बता रहा है।
तिकारे एक रस तिष्ठत सतत, तीनों काल में जिसकी सत्ता एक रस निर्विकार बनी रहती है उसको हमारे यहां सब कहा जाता है, जो कभी मरता नहीं। और इसीलिए ऋषियों ने प्रार्थना किया, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। ये जो प्रार्थना है वो इसी को केंद्र में रखेंगे, और कोई व्यक्ति अपने को मूर्ख नहीं कहना चाहे। एक बच्चा भी अगर अपनी मां की गोद में बाहर चलता है तो वो भी कितने प्रश्न करता है, कितनी जिज्ञासाएं करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ तत्व उसके अंदर बैठा हुआ है, वो फाड़ करके प्रकट होना चाहता है। और आनंद हम दुख नहीं चाहते, प्रतिकूलताओं से बचते हैं। आज तक जितने साधन हमने इकट्ठा किए, जितनी व्यवस्थाएं बनाई है जगत में अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो आपकी सोशल सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, आपकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी हो, उनके मूल में यह है कि हम किसी भी प्रकार के कष्ट से दुख से बचना चाहें। तो ये जो सत है, ये जो चित है, ये आनंद है, इसको अभिव्यक्त करना, ये आपके जीवन में ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति। और इसकी अभिव्यक्ति के लिए स्वामी जी ने बताया कि अपनी अंत और बाह्य प्रकृति का नियमन करके, और साथ में चार माध्यम बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग यानी ध्यान योग। अब इन योगों की चर्चा अगर हम करते हैं तो ये थोड़ा कठिन होगा, चूंकि लंबा समय चाहिए, तो हम कुछ सूत्र आपको बता देते हैं। जैसे पहली बात है, सात चीजें जिनके द्वारा आप अपने जीवन का प्रक्षालन कर सकते हैं, परिष्कार कर सकते हैं, और एक शुद्ध अंतःकरण में ही ये आत्मतत्व तो प्रतिबिंबित होता है। आध्यात्मिक जीवन की दो ही योग्यताएं, आपका अंतःकरण पूरी तरह निर्मल, बिल्कुल पावन और शुद्ध हो, और आपके जीवन में पूर्ण शांति हो। अगर विक्षेप नहीं है, विक्षेप की निवृत्ति के लिए ध्यान है, यह मैं आपको संकेत करूं, स्वरूप का बोध ध्यान से नहीं हो सकता है। अविद्या और ज्ञान का अपहरण करने की सामर्थ्य केवल ज्ञान में, ध्यान के द्वारा आपका विक्षेप, आपके चित्त की चंचलता, आपकी मानसिक अस्थिरता, इनको आप नष्ट कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान वेदांत के बोध को उपलब्ध करने के लिए एक बहुत सुंदर भूमिका का निर्माण करता है। आपका अंतःकरण इतना सुंदर बन जाएगा कि फिर आप वेदांत बोध को अगर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस बोध को प्राप्त होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने गुरु से पूछा था तो उन्होंने यही बताया कि स्वरूप स्थिति और स्वरूप बोध, ध्यान हमको स्वरूप स्थिति तक ले जाता है, लेकिन बोध हमें वेदांत के द्वारा ही मिलेगा। हम आपके सामने स्थित, अभी अगर आशीष भैया ने हमारा परिचय न दिया होता आपको, तो आपके सामने हम स्थित थे, लेकिन आप मेरे विषय में कुछ नहीं जानते। और अभी भी बहुत सारी बातें जो आपको नहीं बताई गई हैं, वो आपके लिए अज्ञात है। तो हम सामने स्थित हैं, लेकिन आपको बोध नहीं। ऐसे ही स्वरूप में बैठे होंगे आप, लेकिन स्वरूप का बोध नहीं होगा। वहां पर आपको वेदांत के द्वारा ही उस स्वरूप का बोध होगा, और उसके लिए श्रवण मनन निधि ध्यासन की प्रक्रिया, फिर ब्रह्मात्मय के प्रमा का जन्म, अखंडार्थ घी का उदय, और उस घी के द्वारा ब्रह्म में वृत्ति का जीवन में आगमन, इसके द्वारा आगे की साधना प्रक्रिया वेदांत की जो उच्च स्तरीय है वो आगे चलती है। तो उसके लिए समय नहीं। तो पहली बात जो है आपके जीवन में पवित्रता और शांति, यह कोशिश करें कि जीवन हमारा जितना अधिक से अधिक निर्मल बन सके उतनी निर्मलता हम जीवन में लाएं। और यही कसौटी है, बाइबिल ने भी कहा, ब्लेसिड आर दोस हु आर प्योर इन हार्ट बिकॉज दे शैल सी गॉड, धन्य है वो जिनका हृदय पावन है क्योंकि वो ईश्वर का दर्शन करेंगे। तो ईश्वर के दर्शन की अनिवार्य शर्त है पावनता। और उधर भगवान ने मानस में संकेत किया, निर्मल मंजन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल चित्र न भाव। तो पवित्रता निर्मलता अगर आपके जीवन में आती है, ये चाहे धर्म के द्वारा लाएं, चाहे तप के द्वारा लाएं, चाहे सत्कर्मों के द्वारा लाएं, चाहे उपासना के द्वारा लाएं, चाहे आराधना के द्वारा लाएं, चाहे ध्यान के द्वारा लाएं, चाहे परोपकार और सेवा के द्वारा लाएं, जिस किसी माध्यम से इसको आप ला सकते हैं, वो निर्मलता आपके जीवन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ये पहली शर्त आध्यात्मिक उपलब्धि। और दूसरा अंतःकरण शांत होना चाहिए। पानी बहुत निर्मल है लेकिन बिल्कुल ना, एक अत्यंत निर्मल सरोवर के तट पर आप बैठे हैं और सूर्य आकाश में या चंद्रमा आकाश में प्रतिबिंबित है, आप उसके प्रतिबिंब को देखना चाह रहे हैं, तो वो जो पानी हिलडुल रहा है, जब तक वो स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, पानी तो निर्मल है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन आप नहीं देख सकते। तो पानी शांत भी हो और पानी गंदा है, मटमैला है, काई जमी हुई है, तो भी आप नहीं देख सकते। तो दोनों शर्तें एक साथ अगर पूरी होती है कि चित्त हमारा निर्मल भी है और चित्त हमारा शांत भी है, तो जो आत्मतत्व रूपी सूर्य है वो आपके अंतःकरण के सरोवर में प्रतिबिंबित होगा। मुझे लगता है कि समय पूरा हो रहा है, मैं अंतिम सूत्र देकर के अपनी वाणी को विराम करता हूं। जीवन में अगर महान बनना है
तो मेरे मैंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे सूत्र बताइए कोई ऐसा जिसको मैं अपने जीवन में रख सकूं हमेशा। तो उन्होंने बताया कि पहली बात है कि जीवन में पाप जीवन को कभी दबाने का किसी भी परिस्थिति में, पाप का प्रभाव आपके जीवन पे, पाप का प्रभुत्व, पाप का वर्चस्व, पाप की दखल आपके जीवन में ना होने पाए। और पाप क्या है? पाप वो है जो आपको दुर्बल बनाता है, पाप वो है जो आपको संकुचित करता है, पाप वो है जो आपको डराता है, पाप वो है जिसके प्रकाशन के समय आप समाज में कांप जाते हैं अगर आपको उस बात का पता चलता है समाज को, और उसको आप छिपाने का प्रयास करते हैं। ये सब पाप के लक्षण है। तो पाप जीवन को दबाने ना पाए, पुण्य अभिमानी ना बनने पाए। जो भी आप परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, किसी के लिए भी कुछ करते हैं, तो वो मौन होकर के, गुप्त और अज्ञात होकर के उसको हमें करना है। उसके कारण हमारे जीवन में दम और दर्द की सृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो पुण्य अभिमानी न बनने पाए और आत्म साधना, ईश उपासना, लोक आराधना यानी लोक सेवा, इनकी जो हमारी अखंड धारा है वो खंडित या विश्रंखलित न होने पाए, तो हमारा जीवन एक दिन लोकोत्तर महानता के शिखर को अवश्य प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार श्री रघुनाथ जी का।